नमस्ते जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं, कैसे रही शीतला सप्तमी होली? और ये वीडियो ना एक्चुअली है तो होलिका, मतलब होलिका क्या, जो शीतला सप्तमी होती है, तो मेरे शहर में जैसे मैंने बताया था शीतला सप्तमी वाले दिन ही होली खेली जाती है, धुलंडी उसी दिन मनाई जाती है, तो इसलिए उस दिन का वीडियो थोड़ा लेट हो गया और उसके पीछे ना कोई कारण है तो बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है वीडियो। और ये सामने में दिखा रही थी कि मंदिर में ना, मतलब सामने पूजने जाना है हमको शीतला माता, मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाना होता है, और वही मैं दिखा रही थी क्योंकि बज रहे हैं अभी सुबह के 4, तो और यहाँ ना 3 बजे से आवाज़ें आने लग गई थी क्योंकि ठंडा पूजना होता है ना जल्दी जल्दी, मतलब तो 3 बजे से मतलब आवाज़ें आने लग गए थे, सब आंटी लोग इधर उधर से पीछे गली के सब आने लग गए थे। तो यहाँ पे मेरा सुबह पहले उठते ही मैं ब्रश करती हूँ, मेरी आदत में है, उसके बाद में घर के पास ही झाड़ू पोछे जो होते हैं वो करेंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे और 5-5:30 बजे में निकल जाऊँगी पूजा के लिए। तो ऐसे तो देखिए मैं उठती 6 बजे हूँ, लेकिन ना जैसे कि कोई त्यौहार हो, कोई आना हो या कहीं जाना होता है ना, तो मैं 4 बजे उठ जाती हूँ और फटाफट सारे कामों से फ्री हो जाती हूँ। तो सुबह सुबह के झाड़ू पोछे तो हो चुके हैं। नमस्ते जय श्री कृष्णा, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, हैप्पी होली, हैप्पी शीतला सप्तमी। और मैं पूजा करके आ गई हूँ, मतलब पूजा वूजा का दिखाया नहीं मैंने, ये थाली पूजा करके आ गई मैं, उस टाइम जल्दबाजी के अंदर चली गई थी वापस माता रानी को, वहाँ से जो खोलन लाते हैं ना वो सब ये वही है, तो सब अपनी आँखों पर लगाएंगे, पूरे घर में छिड़काव कर दिया, पीहू उठेगी तो उसको थोड़ा पहले पिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा सब ये लेंगे चन्नामच जैसे, पहले थोड़ा सा माता रानी का वहाँ से जो खुलन लाए ना वो, और उसके बाद में कोई अगर चाय पानी पीना चाहेगा तो वो पी लेगा। तो बस यही थी, मैं जल्दी में थी, वैसे तो बोले 6 बजे का टाइम था लेकिन ना मेरे को थोड़ा जल्दी थी, मैंने कहा फिर 6 बजे बाद तो फिर सूरज जो है मतलब आ जाते हैं सूरज भगवान, तो सनराइज के बाद में तो पूछते ही नहीं है ना, मतलब ठंडी ठंडी जल्दी जल्दी पूछते हैं अंधेरे में, और इसके पापा को जाना था, पीहू के पापा को जल्दी दो, इसलिए भी जल्दी थी, तो मैं तो पूछ के आ गई जल्दी से। और आपके वहाँ कैसे क्या होती है शीतला सप्तमी बताना मैं। तो कहीं कहीं ऐसा मतलब जैसे रिवाज होता है कि घर बासी रहता है, बासी बासी रहो, बासी मतलब बिना नहाए पूजो, लेकिन घर की जो गृहिणी होती है मुख्य, उसको तो नहाने पड़ता है, वो भी ठंडे पानी से, मैं ठंडे पानी से नहाई थी ये भगवान, पर हाँ कुछ नहीं, माता रानी अपने आप ही मतलब कुछ नहीं लगा, 1-2 मग्गे में ठंड लगी, फिर आराम से नहा लिए थे, ठंडे ठंडे नहा के ठंडे ठंडे पूजा करके आए बढ़िया। उसके बाद में मैंने यहाँ पे थाली जमा दी थी, मतलब जो कुछ भी मैंने बनाया था ना वो प्लेट पे ले जमा दी थी, जैसे कोई आए तो एकदम से पहले वो सारे काम से फिर हुई, फिर थोड़ा सा मैं पीहू को पढ़ाने बैठा दिया क्योंकि इसका एक पेपर बाकी था, तो मैंने कहा थोड़ा पढ़ लो, ये जल्दी उठ गई थी पीछे, ऐसे जब स्कूल जाना होता जब नहीं उठेंगे, लेकिन ऐसे मेरे पीछे उठ गई थी, तो मैंने कहा लो थोड़ा सा मुझे पढ़ के दिखा दो, ऐसे ही करते हैं बेटा, ऐसे ही करते हैं, आप लोग भी खेलो, बाल्टी भर के ले आओ, पर ज्यादा मत करना, ज्यादा मत होना बच्चे लोगों। तो उस दिन खाना तो बनाना होता है नहीं, रात पहले दिन ठंडा बासी बनाते हैं, पूरे दिन वही खाना होता है, तो ये सबसे बड़ा काम होता है महिलाओं के, खाना बनाना, अरे सब्जी क्या बनाना वो काम नहीं होता है, तो आराम से पूरे दिन जो एंजॉय करते हैं, कलर वगैरह खेलो, खाना पीना होता है, एक दूसरे के जाओ। तो पीहू निकल के बाहर सामने से आ रहे हैं मेरे आंटी लोग आस पड़ोस में, और पता है शुरुआत में ही करती हूँ, पिछली बार भी मैंने करी, अभी भी मैं निकलती हूँ बाहर, सबको बुलाती हूँ आंटी आ जाओ नीचे, बाहर निकल जाओ, थोड़ा थोड़ा उनके करला लगाती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जब तक है ना सबको फिर लेते हुए, पूरा ब्लॉक है ये सामने मंदिर के, इधर उधर जो पूरी लाइन में जितने भी है ना, ये सारे जो है वहीं की सब आंटी है दीदी, ये हमारे घर मोहल्ले की बहू है वो, इनकी ना पहली होली है, बच्चों के साथ ही बहुत ही इंजॉय किया था, बहुत अच्छे नेचर है। और बस यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत होली वगैरह खेलेंगे, और फिर मैंने सोचा कि चलो सबके लिए चाय बना लाऊं, उतनी देर में तो क्यों सब चले गए थे, आना आना बोलते हैं आजकल हो गया ना एक दूसरे के, कहाँ कोई आते जाते हैं, बस फॉर्मेटी सी रह गई, ये पहली वाला जैसा धमाल वगैरह कहाँ होता है, फोटो सेशन थोड़ा बहुत हुआ और बस सब अपने अपने घर, इस तरह से यहाँ पे हमारे जो है बनाई गई थी होली। और मेरी बताऊँ तो मैं कलर से ना बहुत ही ज़्यादा डरती आई हूँ, लेकिन शादी के बाद में कहते हैं ना कितना कुछ बदल जाता है, तो बस ये वाली बात भी बदल गई, 2-3 साल से मैं भी खेलने लगी हूँ, और सही में अच्छा लगता है एक दूसरे के आना जाना, हिल मिल के मनाना, हालांकि पहले जितनी मस्ती धमाल वो सब तो नहीं देखा जाता है यहाँ पे,
बस फॉर्मेलिटी जैसा है, बस हाँ थोड़ा बहुत तिलक लगा दो, आना आना आना, वो इस सब इस तरह से हैं। फिर 3 बजे करीबन जय जी आए थे, थोड़ा बहुत उन आस पास में जो है भैया लोग बच्चे लोग उन्होंने उनको कलर वलर लगाया। फिर जैसे जो है उनके लिए मैंने दही बड़े जमाना, मतलब नाश्ता पानी शाम तक ये सब चलता रहा था, कुछ इस तरह का शीतला सप्तमी का धुनंडी वाला। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने करना। अरे हटाओ ना यार, क्या हटाना है यार। आ गया जय जी का नंबर, जय जी का नंबर आ गया। आपने चश्मा तो ऐसे पेन रखा है, कैसे लगा हुआ है? जोरदार लगे पर आपके दिख नहीं रहा है।